नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सरिता कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ हैं राम मेहर मलिक जी, जो कि फौजी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज हमसे बात करना चाहेंगे कि 1 सितंबर से सरकार ने ट्रैफिक रूल तोड़ने पर जुर्माना बढ़ा दिया है, यानी कि अगर आप जहाँ 100 रुपये जुर्माना भरते थे उसका आप 10,000 या 30,000 जुर्माना भरेंगे, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? सरिता देखो, मैं एक चीज़ ज़रूर साफ साफ कहना चाहूँगा कि प्रशासन ज़रूर सख्त होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रशासन नरम होगा तो वो फिर कामयाबी नहीं आती है, लेकिन सख्त होने का मतलब ये नहीं है कि किसी का गला ही आप दबा दीजिए। तो ये जो इन्होंने कुछ चीज़ें जो ठीक है, हमारे नियमों में कमियां थी, मैं इस चीज़ को बिल्कुल मैं मानता हूं कि ट्रैफिक नियम जो यातायात के नियम थे उनमें कुछ कमियां थी, उनको कड़ाई से लागू कराने के लिए हमें कड़ाई से पेश आना पड़ेगा, प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा, यहां तक मैं बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन जो इन्होंने जुर्माना लगाया है, जो फाइन लगाया है, वो बहुत गलत है। वो उनकी गाड़ी की उतनी कीमत नहीं है जितना उनके ऊपर जुर्माना लग रहा है। तो इसको रोकने के लिए कई और तरीके भी तो हो सकते हैं। हम जुर्माना ही क्यों लगाए, तो जुर्माने के पीछे इनकी नीयत में खोट है, इनकी नीयत गलत है, इनका कुछ गलत तरीके से धन, और इससे तो करप्शन और बढ़ेगी। यानी जिसको किसी एक गलती के लिए 10,000 रुपये जुर्माना देना है तो वो पुलिस वाले को 2,000 रुपये देकर चला जाएगा, तो ये तो करप्शन बढ़ेगी, तो सरकार को क्या फ़ायदा हुआ उसका? तो इससे तो करप्शन को बढ़ावा मिलेगा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। इसकी बजाय इनको, जहाँ तक मैं समझता हूँ, उनकी गाड़ी को जब्त कर लें। शुरू में पहली बार गलती की है, 10 दिन के लिए उसकी गाड़ी को जब्त कर ले, तुम्हें 10 दिन तक गाड़ी नहीं मिलेगी, उसको सबक मिलेगा, वो दोबारा गलती नहीं करेगा। और 10 दिन के बाद आप गाड़ी दे दें और फिर करता है तो उसको 1 महीने के लिए जब्त कर लो, ताकि उसको कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, आर्थिक उसको नुकसान नहीं होगा। अब वो 10,000, 20,000, 25,000, 23,000 जो अभी जुर्माने लगे हैं कई दिन से, वो बच्चे कैसे पालेगा? गरीब आदमी है, उसकी उतनी तनख्वाह नहीं है, उतनी की उनकी गाड़ी नहीं है जितना जुर्माना लगा रहे। तो कोई भी सरकार को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने नागरिकों का गला ही घोंट दें। कड़ाई से पेश आना प्रशासन को जरूर ठीक है, उसका ये नियम नहीं है, ये कोई कायदा नहीं है कि उनका गला घोट दिया जाए, जनता को जो है ना बिल्कुल मरने के लिए छोड़ दिया जाए। हाँ, तो मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये जुर्माना, हाँ जुर्माना लगाओ जिसको वो सहन कर सके, इसके अलावा कड़ाई ये कर दीजिए, उसका लाइसेंस रद्द कर दीजिए, गाड़ी को जब्त कर लीजिए, उसका कोई पीरियड है, आपको 1 महीने के लिए लाइसेंस रद्द है, फिर नहीं मानता है उसका 6 महीने के लिए रद्द कर दिए। ये नियम बहुत हैं ताकि उसको तकलीफ होगी, जब गाड़ी उसके घर नहीं रहेगी या उसके पास लाइसेंस नहीं रहेगा तो वो डरेगा। और ये जुर्माने वाली जो इन्होंने एकदम से इतना बढ़ा दिया, मैं इसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, ये गलत है, ये जनता के खिलाफ है, जनता की भावनाओं के खिलाफ है, और इनको दूसरे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए कड़ाई करने के लिए, ताकि वो नियमों को कड़ाई से लागू करें, कड़ाई से वो हर आदमी उसको, जनता भी उसके ऊपर मतलब पालन करे उसका, उसके लिए दूसरे तरीके अपनाने चाहिए। धन्यवाद सर आपका, क्या आपने हमारे चैनल से बात की। धन्यवाद सर। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।